हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अगीशा एंड आई एम बैक विद अनदर हॉल वीडियो। मिंत्रा से ही हॉल वीडियो होने वाला है, इसके अंदर मैं आपके साथ में अफोर्डेबल कैटेगरी से कुछ मैक्सी ड्रेसेस शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं। एंड ये हॉल वीडियो वैलेंटाइंस डे स्पेशल होने वाला है गाइस। आई एम श्योर कि आपको कोई ना कोई ड्रेस अपने लिए जरूर पसंद आ जाएगी। एंड इस हॉल वीडियो में मैं जितनी भी ड्रेसेस आपके साथ में शेयर करूंगी वो फुल लेंथ में होने वाली हैं। सो जिन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम है कि शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहननी है वगैरह वगैरह, सो उनके लिए भी ये हॉल वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। टोटल 5 लुक्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा एंड आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। सो नाउ अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, इस हॉल वीडियो को मैं रेड मैक्सी ड्रेस के साथ ही स्टार्ट करना चाहूंगी क्योंकि ये वैलेंटाइंस डे स्पेशल हॉल वीडियो है। सो रेड कलर तो इंक्लूड करना बनता है। सबसे पहली जो मेरे पास मैक्सी ड्रेस है ये बहुत ही प्यारी सी रेड, प्योर रेड कलर के अंदर है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है। पहनने के बाद में तो जो इसका ग्रेस आया ना वो मतलब अल्टीमेट था। मैंने इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ, देन हम और प्राइस वगैरह की बात करेंगे। इस ड्रेस के अंदर जो नेक है आपको वो इस तरीके से वी नेक मिल जाएगा। यहाँ पे एक यहाँ पे बटन दिया गया है जिसको आप ऐसे बंद कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। एंड फिर भी अगर किसी को लगता है कि नेक डीप है तो आप इसके अंदर में ब्लैक कलर की स्पेगेटी डाल सकते हो। सो वो भी अगर ऊपर से थोड़ी सी विजिबल होती है तो अच्छी लगेगी क्योंकि ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसके जो नेक पे ये काम है ना ये मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से ये देखो कितना सुंदर सा काम इसके नेक के ऊपर मिल जाता है। बहुत ही प्यारा लग रहा था यार ये पहनने के बाद में। एंड सेल्फ के अंदर भी इस पूरी ही ड्रेस में आपको ये अंदर काम मिल जाएगा। इसकी जो स्लीव्स हैं फुल स्लीव्स हैं एंड यहाँ पे आगे इलास्टिक लगाई गई है तो बहुत ही अच्छा सा पफ क्रिएट हो जाता है। मुझे इस तरह की स्लीव्स बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। एंड पूरी ही ड्रेस के अंदर आपको अच्छी सी अंदर क्रेप फैब्रिक के अंदर लाइनिंग मिलेगी। वेस्ट पार्ट के बाद में बहुत ही अच्छी सी गैदरिंग आपको मिल जाती है। फ्रंट साइड में ये प्लेन है, बैक साइड में अच्छी सी इलास्टिक आपको मिल जाती है तो ये बहुत ही प्रॉपरली आपके वेस्ट पर फिट हो जाती है। एंड बैक साइड में भी अच्छी सी चुन्नटे यहाँ पे दी है। एंड जो इसका फॉल आ रहा था ना गाइज ड्रेस का वो आपको ट्राई ऑन में क्लियर होगा। बहुत ही प्यारा फॉल आ रहा था, मतलब नीचे की तरफ जो इन्होंने पैटर्न बनाया है उसकी वजह से बहुत ही सुंदर लग रही थी ये। नीचे कुछ इस तरीके से लेयरिंग की गई है, 3 लेयरिंग आपको मिलेगी एंड वो भी बहुत छोटे छोटे पोर्शंस में। मैंने जनरली देखा है एक लेयरिंग यहाँ पे होती है एक यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पे नीचे की गई है तो नीचे की तरफ ना बहुत ही अच्छा सा फॉल आ रहा था। लेंथ वगैरह इसकी एकदम प्रॉपर है। मैंने इसको लार्ज साइज में बाय किया है एंड ये मुझे बहुत अच्छे से फिट हो गया था। सो आपका जो भी ट्रू साइज हो आप उसके अंदर जा सकते हो। एंड अभी शायद ये आउट ऑफ स्टॉक है। इसका जो फैब्रिक है वो है शिफॉन, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का शिफॉन है, एकदम लाइट वेट है, गुड क्वालिटी का है, लेकिन अभी ये शायद आउट ऑफ स्टॉक है। सो आप देख लेना, अगर स्टॉक में होगी तो आप तुरंत इसको बाय कर लेना। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब ये आउट ऑफ स्टॉक ही दिखा रहा है। इसको मैंने बाय किया है गाइस 1313 रुपीज में। बहुत ही ज्यादा सही है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। इस पूरे हॉल वीडियो में मैंने अफोर्डेबल ड्रेसेस ही इंक्लूड किए हैं। 1500 तक भी कोई ड्रेस इसमें नहीं है, 1400 के अंदर अंदर सारी ड्रेसेस है। सो यार, इसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। अगर आपको स्टॉक में ये मिल जाती है तो जरूर जरूर से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। रेड ड्रेस हो गई है नाउ। अब मेरे पास एक ब्लैक भी है, मतलब रेड और ब्लैक कुछ भी आप पहन सकते हो। वैसे तो जैसे स्पेसिफाई तो होता नहीं है कि आपको रेड ही कलर पहनना है, बट अपना अपना मन होता है सबका। सो नेक्स्ट मेरे पास जो ब्लैक ड्रेस है वो भी बहुत ज्यादा प्यारी है। लेंथ भी बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब एकदम प्रॉपर लेंथ है। हील्स आपको पहननी पड़ेंगी इसके नीचे में क्योंकि लेंथ काफी ज्यादा अच्छी खासी इसमें दी गई है। सो ये ब्लैक कलर में है जिसके ऊपर पूरा फ्लोरल प्रिंट आपको मिल जाएगा। सो गाइज, इसका जो नेक है वो कुछ इस तरीके से स्क्वायर नेक आपको मिलता है। यहाँ पे पूरा ही इलास्टिक दिया गया है, बल्कि ये इसको आप ऑफ शोल्डर भी बना सकते हो क्योंकि पीछे तक इलास्टिक है, तो ऐसे ऑफ शोल्डर भी इसको करके आप पहन सकते हो एंड इस तरीके से भी पहन सकते हो। मैंने तो ऐसे ही पहना था। इसकी जो स्लीव्स हैं वो इस तरीके की हाफ स्लीव्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे भी अच्छी खासी इलास्टिक दी गई है। फिट इसका इतना ज्यादा प्यारा आ रहा था ना गाइज, मुझे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो गई थी। ए लाइन में ये ड्रेस मिलेगी आपको। बैक साइड से आपको यहाँ पे चेन दी गई है, आपको विजिबल हो रही होगी। इस तरह की चेन है बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की जो कि नीचे तक इन्होंने दी हुई है। सो उसकी वजह से भी इसका जो फिट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा था। वेस्ट पार्ट पे आपको ये टाई करने के लिए भी इन्होंने यहाँ पे ये कुछ इस तरह का हुक वगैरह दिया हुआ था, तो मैंने तो उसको ऐसे ही मतलब मुझसे अच्छे से टाई हो नहीं रहा था तो मैंने इसको ऐसे ही आगे टाई किया हुआ है। बाकी आप इसको बहुत अच्छे से टाई कर सकते हो।
बेस्ट पार्ट के बाद में इसकी जो शेप है वो ए लाइन शेप इस तरीके की आती है। इसमें कैमरा के ऊपर इसका कलर ब्लू लग रहा है, ब्लू या ब्लैक कुछ ऐसा ही कलर है इसका, मुझे को समझ नहीं आ रहा है ज्यादा। पूरी ही ड्रेस के ऊपर ये फ्लोरल प्रिंट आपको मिल जाएगा जो कि रेड कलर के फ्लावर्स इस पे बनाए गए हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको, तो ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी गाइस पहनने के बाद में। इसके अंदर आपको ये अच्छी सी लाइनिंग भी मिल जाती है, तो कोई भी एज सच आपको सी थ्रू वाला कोई भी इशू नहीं होने वाला है। लेंथ वगैरह प्रॉपर है, फिट वाइज काफी ज्यादा अच्छी है। इसके अंदर भी मैंने अपना लार्ज साइज ही बाय किया है। आई थिंक ये ब्लू ही कलर है क्योंकि इसके अंदर लाइनिंग भी ब्लू कलर की दी हुई है, तो आई एम श्योर ये ब्लू कलर है, बाकी ऐसे समझ नहीं आ रहा, ब्लू ब्लैक कुछ इसी तरह का लग रहा है। एंड इसके डिस्क्रिप्शन में भी आई थिंक ब्लैक ही मेंशन किया हुआ था। तो ये वाली ड्रेस भी बहुत ज्यादा सुंदर लगी है, बाकी आपको ट्राई ऑन में तो क्लियर हो ही जाएगा। नाउ इसको मैंने बाय किया है 1158 रुपीज में, विच इज वर्थ टू मनी, डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड ये अभी स्टॉक में भी है, सो आप जरूर जरूर से इसको चेकआउट कर सकते हो। अगेन एक और बहुत ही ज्यादा प्यारी ड्रेस मेरे पास में है एंड बहुत ही ज्यादा प्यारे कॉम्बिनेशन है, पिंक एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। सो गाइज ये इस तरीके से है कुछ, इसके अपर पार्ट पे जो डिजाइनिंग है ना, ये इस तरह की डिजाइनिंग वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। सो ये वाली जो ड्रेस है वो ये स्लीवलेस पैटर्न के अंदर आपको मिलती है, एंड इसका जो अपर पार्ट है ना गाइज वो इस तरीके से है। यहाँ पे जो बेस कलर है अंदर से वो ऑरेंज है, एंड ऊपर ये नेट का पिंक कलर का कुछ तो डिजाइन बनाया हुआ है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। एंड वेस्ट पार्ट पे आके बहुत अच्छे से फिट हो जाती है, एंड साइड में आपको ये जिप भी मिलती है जिसको आप आराम से बंद कर सकते हो, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है, तो आपको बहुत ही अच्छे से आपकी बॉडी पे ये फिट हो जाएगी। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। वेस्ट पार्ट के बाद में इसका जो अच्छा सा घेरा स्टार्ट होता है ना, इस तरह की ए लाइन ड्रेस है, पिंक कलर का ये जॉर्जेट फैब्रिक यूज किया है इसके अंदर, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब दोनों जो कलर हैं वो भी एक दूसरे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, एंड ये भी एक बहुत ही अच्छा वैलेंटाइन आउटफिट आपका हो सकता है। काफी ज्यादा अच्छी खासी लेंथ भी थी इसकी, तो आप हील्स वगैरह पहन के जब इसको पहनोगे तो बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लगेगी। इसके अंदर प्रॉपर लाइनिंग दी गई है, तो कुछ भी आपको सी थ्रू वाला भी कोई इशू नहीं होने वाला है। सो ये भी मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई है गाइस। इसके अंदर भी मैंने लार्ज साइज बाय किया है, बहुत अच्छे से मुझे फिट हो गया था, काफी ज्यादा मजा आ रहा था यार इसको पहन के। मतलब इसका घेरा इतना ज्यादा अच्छा है, मेरा मन करता बस ऐसे से फ्लॉन्ट करती रहूं बस। बहुत ही प्यारा फैब्रिक है, रिच क्वालिटी का फैब्रिक है एकदम। एंड इसके अंदर तो गाइज आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, बर्गंडी कलर है, ब्लैक कलर है, लेवेंडर कलर है, मरून, रेड, येलो, बहुत सारे कलर ऑप्शन है, तो आप कोई भी चूज कर सकते हो। नाउ मैंने इसको बाय किया है 1391 रुपीज में, विच इज वर्थ टू मनी, डेफिनेटली आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। नाउ गाइज अगेन एक और ड्रेस बिल्कुल ही डिफरेंट पैटर्न में, मतलब इस हॉल वीडियो में जितनी भी ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, स्टार्टिंग से ही अलग अलग पैटर्न में है, मतलब कोई भी सिमिलर नहीं है। सो ये वाली ड्रेस कुछ शर्ट टाइप की जो ड्रेसेस होती है ना वैसी है कुछ, एंड बहुत ही प्यारा सा इसका साटन वाला फैब्रिक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। ये पीच एंड रेड के कॉम्बिनेशन में है, इसकी लेंथ भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब काफी ज्यादा लंबी थी। हील्स पहन के ही आपको इसको पहनना पड़ेगा, अदरवाइज ये काफी ज्यादा लंबी आएगी आपको। सो गाइज इसका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे शर्ट कॉलर है। पूरी ड्रेस में यहाँ पे आपको बटन मिल जाएंगे, मतलब नीचे तक ही बटन दिए हुए हैं। सो पूरे ही बटन क्या है, ओपनेबल है। एंड इसकी जो स्लीव्स हैं वो इस तरह की पफ स्लीव्स आपको मिल जाएंगी ऊपर से, तो ये पीच कलर है, एंड नीचे में जाके यहाँ पे इस तरीके से रेड कलर इसमें ज्वाइन किया गया है। सो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब रात को आई थिंक ये बहुत ज्यादा प्यारी लगेगी। एंड साइड में ये बेल्ट भी दी गई है, इस तरीके से फैब्रिक की ही बेल्ट है जिसको आप बांध सकते हो या फिर रिमूव भी कर सकते हो, रिमूवेबल है तो आराम से इजिली ये रिमूव भी हो जाएगी। अगर इसको रिमूव करके आप कोई ब्लैक कलर की बेल्ट ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। सो या गाइज इसका जो फैब्रिक है वो साटन टाइप का फैब्रिक है, मतलब साटन पॉलिएस्टर कुछ इस तरीके का। जो अपर फैब्रिक है ना पीच वाला वो तो साटन फैब्रिक है, नीचे वाला ये रेड पॉलिएस्टर फैब्रिक है। काफी अच्छी लग रही थी ये वाली ड्रेस भी पहनने के बाद में, जो कि आपको ट्राई ऑन में क्लियर भी हो जाएगा। इसके अंदर भी मैंने लार्ज साइज लिया था, वो मुझे अच्छे से आ गया था। एंड ये वाली ड्रेस भी अभी आउट ऑफ स्टॉक ही दिखा रहा है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप चेक कर लेना कि ये स्टॉक में है या नहीं। एंड ये इस हॉल वीडियो की सबसे ज्यादा अफोर्डेबल ड्रेस भी है, इसको जस्ट मैंने 824 रुपीज में बाय किया था, विच इज डेफिनेटली वर्थ टू मनी। अगर आपको इस स्टॉक में मिल जाए तो आप जरूर से इसको चेकआउट कर सकते हो। नाउ गाइज इस हॉल वीडियो का अब लास्ट पीस मेरे पास में येलो कलर की ड्रेस है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है, लेकिन उसके अंदर कुछ तो डिफेक्ट है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये येलो कलर की ड्रेस है, बहुत ही प्यारा सा येलो, एकदम सूदिंग सा येलो, ऐसा लग रहा है सनलाइट में अगर इसको पहन के जाओ तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, फैब्रिक भी बहुत ज्यादा प्यारा है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे। ये वाली मैक्सी ड्रेस आपको शिफॉन फैब्रिक के अंदर मिलती है, इस तरीके से इसका नेक है, यहाँ पे पूरी तरीके से स्टिच किया गया है। स्लीव्स हैं ये 3/4 स्लीव्स आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे अच्छी सी इलास्टिक है, सो अच्छा सा पफ एक क्रिएट होता है।
एंड बेस्ट पार्ट के बाद में गाइस बहुत ही अच्छा सा घेरा इसमें आ जाता है। बाकी इसका जो पैटर्न है ना वो कुछ इस तरीके से है, जो कि आपको ट्रायऑन में ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगी तो उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा। सो गाइस इस ड्रेस में जो इशू है ना वो ये है कि इसमें ये दो डोरियां आपको मिलती हैं बांधने के लिए, लेकिन इसमें से एक जो है वो बहुत ज्यादा गंदी है, ये इस तरीके से ब्लैक कलर की आई है। आई डोंट नो क्यों, हर एक पीस तो शायद इस तरीके से नहीं होगा, लेकिन ये जितनी मुझे अच्छी लग रही थी इसने सारा गेम चेंज कर दिया। तो ये ट्राई ऑन में भी अच्छे से देखकर आया तो उसको प्लीज अवॉइड करना। आई थिंक सारे पीस में तो ऐसा नहीं होगा, ये कहीं पे गंदा हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। मैं भी इसको मतलब एक्सचेंज कराने वाली हूँ, काफी ज्यादा अच्छी है। एंड प्लस पॉइंट पता ही क्या है कि इस ड्रेस में दोनों साइड आपको पॉकेट मिलती है। मैंने ट्राई ऑन में ध्यान नहीं दिया वरना मैं दिखाती कि दोनों ही साइड इसमें आपको पॉकेट मिलती है इस वाली मैक्सी ड्रेस में। तो ये मुझे बहुत अच्छा मतलब एक पॉइंट लगा इसका। बाकी इसका जो पैटर्न है वो आपको ट्राई ऑन में ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इसका फैब्रिक शिफोन है, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का शिफोन है, एकदम सॉफ्ट एंड बहुत ही सूदिंग सा है। मुझे इसका कलर सबसे ज्यादा पसंद आया है। इसमें एक और कलर है रस्ट कलर, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा मुझे यही ज्यादा अच्छा लग रहा था। नाउ गाइज इसको मैंने लिया है 1173 रुपीज में, विच इज डेफिनेटली वर्थ टू मनी। इसकी लेंथ वगैरह आपको ट्राई ऑन में क्लियर जाएगी। एंड मैं अपनी हाइट भी मेंशन कर देती हूँ, मेरी हाइट है 5.6 फीट। सो आप उससे आइडिया कर लेना कि सारी जो ड्रेसेस हैं वो आपको कितने आने वाली हैं। सो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफी ज्यादा अफोर्डेबल कैटेगरी से मैंने इसमें ड्रेसेस इंक्लूड करने की कोशिश करी है, जो अच्छी क्वालिटी की भी हो, अफोर्डेबल भी हो एंड अच्छी लगे पहनने के बाद में। सो वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता के जाना। एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।